हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के लिमिटेड की बारे में। यहाँ पे मुंबई में एक रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में, इसके बारे में बात करूंगा। रिक्रूटमेंट के पोस्ट है यहाँ पे, नॉन मैनेजमेंट पोजिशन के यहाँ पे पोस्ट है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त 2018 से शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2018। तो पोजीशन जो है, पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के, उसके बाद है असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, असिस्टेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट, असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मैकेनिकल फायर ऑपरेटर। तो यहाँ पे 7th जो पोस्ट निकला हुआ है, टोटल वैकेंसी है 102। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के बारे में, यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BSc विथ 60% मार्क्स। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 67 असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे SSC के आपको SSC और इक्विपमेंट विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कंप्लीटरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहाँ पे। इसका जो वैकेंसी है 6। उसके बाद बात करें असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट एनालिस्ट के पोजीशन में, यहाँ पे आपको BSc इन केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट करना होगा 60% मार्क्स लेके, तभी आप अप्लाई कर सकते। इसका जो वैकेंसी है 7। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के बारे में, यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स लेके आपको, जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते 50% मार्क्स फॉर द SC ST PWD। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन के बारे में, 60% मार्क्स विद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के जो लोग कर चुके हैं। SC ST के लिए 50% मार्क्स आपको होना चाहिए, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वैकेंसी है 7। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल के, 60% मार्क्स विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके SC ST के लिए 50% मार्क्स लेके अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोस्ट वैकेंसी है 9। लास्ट जो है फायर ऑपरेटर के, इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फायरमैन के जो कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको वैकेंसी जो कि यहाँ पे है 90, तो टोटल होता है यहाँ पे 122 जो कि इसका वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अप्लाई कीजिए जो यहाँ पे है, इसके अप्लाई जो लोग हैं अप्लाई के अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ये नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा, CBT जिसको बोलता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा। उसके बाद आपको जो कि आप अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो यहाँ पे 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद बात करूँगा कि अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन को अगर आप छपाना चाहते हैं, इसका भी नोटिफिकेशन जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के एक टेस्ट होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको फिजिकली, मेंटली, आपको मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसका जो सैलरी रहेगा 40,800 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी देंगे इसका। तो एप्लीकेशन के यहाँ पे एक जो कि खास बात है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये था जो कि रिसेंटली पोस्ट हुआ है HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, जो रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है इसके जॉब के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने के साथ साथ, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर के पेज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरा पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो कि 31 अक्टूबर 2018, तो उसके पहले आपको यहाँ पे जो कि आपको अप्लाई करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।